MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती का मामला, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मामला बाज़ाब्ता तौर पर स्वीडिश हुकूमत के सामने उठा दिया। वज़ारत खारजा ने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात से स्वीडन को आगाह किया। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक ने इंसानी हकूक कौंसिल इजलास की दरख्वास्त दे दी। IMF माहदे की पासदारी तरजीह, CPAC मफाहिमत को अमली जामा पहनाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन आहिन भाई हैं, चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क्यादत में CPAC मनसूबा परवान चढ़ा। 10 साल कबल मुस्लिम लीग ने चीन के साथ CPAC शुरू किया था। 2013 में होने वाली CPAC मफाहिमत को अमली जामा पहनाएंगे। नैब के खिलाफ बयानियां बनाकर इक्तदार में आने वालों ने नैब को ही हथियार बना लिया। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं हुकूमत ने सदर के हज पर जाने का भी पूरा फायदा उठाया। ये अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए रात की तारीकी में हमेशा काले कानून बनाते हैं, बाद में खुद इसमें फंस जाते हैं। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का 24वां यौम शहादत आज मनाया गया। दुश्मन के दांत खट्टे और कारगिल के मार्के में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी का एतराफ दुश्मन ने भी किया। बरवक्त कुवत फैसला, भरपूर जवाबी वार और ईमान कामिल की दास्तान रकम करने वाले 29 साल कैप्टन कर्नल शेर खान ने आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। PTI ने राजा आजम को गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया। तर्जुमान PTI का कहना है कि GB की वज़ारत आला के लिए राजा आजम मुत्तफ़िका तौर पर PTI के उम्मीदवार नामजद हुए हैं और चेयरमैन PTI ने भी उनकी नामजदगी की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित की अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली वज़ीर आला खालिद खुरशीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया था। लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, सबसे ज़्यादा 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे जल थल एक हो गया और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मानसून का ताकतवर स्पेल, लाहौर में कई घंटों की नॉनस्टॉप तूफानी बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कें तालाब बन गई, नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।